ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರಕಿ ಮಾಡೇನ್ರಿ ನಾನು. ಒಂದು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. आप हमारी बड़ी कवरेज देख रहे हैं लांस नायक हनुमंथप्पा की सलामती के लिए और उनकी जल्द से जल्द सेहत ठीक होने के लिए हम यह खास कवरेज कर रहे हैं. आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचे दिल्ली के आर्मी अस्पताल हनुमंथप्पा का हालचाल लेने के लिए. सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अपने आप में यह खबर इतनी अहम क्यों है. बड़ी बात यह है कि हमारे ये जवान हनुमंथप्पा 6 दिन बाद, आपको बता दें 25 फीट बर्फ की मोटी चादर से निकाले गए और उसके बाद उनके अंदर सांस तो है, फिलहाल कोमा में है. 48 घंटों तक डॉक्टरों की निगरानी उन पर रहने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल गए, हर तरह से बेहतर इलाज हो इसका आश्वासन लिया और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि किस तरह से ये जो पूरी तस्वीर है उसमें जल्द से जल्द बेहतर हो हनुमंथप्पा. आइए हम आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि वहां सियाचिन ग्लेशियर पर हुआ क्या था. 2 फरवरी को बहुत मोटी बर्फ की चादर के नीचे दब गए थे हनुमंथप्पा. जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 25 फीट मोटी बर्फ की ये चादर थी और फिर उसके बाद रेस्क्यू मिशन वहां पर पहुंचा. 10 जवान हनुमंथप्पा सहित 10 जवान वहां पर थे, बर्फ में दब गए थे, हिमस्खलन आया था और उसके बाद देखिए कैसे खोद कर चट्टानों को काट कर, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर चट्टाने बर्फ बन जाती हैं, तो उन्हें काट कर इन बर्फ की चट्टानों को हनुमंथप्पा तक पहुंचा गया. फिर उनको यहां से बाहर निकाला गया और इसके बाद उनको आर्मी अस्पताल लेकर आया गया, जहां ये देखिए किस तरह से चॉपर के माध्यम से इन दुर्गम स्थितियों से सियाचिन ग्लेशियर से उनको निकाल कर लाया गया और अब सब उनकी सलामती की और सेहत ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. सियाचिन की 19,500 फुट की इस चोटी से आई है एक ऐसी खबर जिसकी ना तो कोई उम्मीद कर सकता है और ना ही कल्पना. 25 फुट ऊंचे बर्फ की कब्र में 6 दिन पहले दफन हो चुके भारतीय सेना के जवान हनुमंथप्पा के जिंदा निकल आने की कहानी किसी चमत्कार से कम है भी नहीं. देश के दूसरे कोने में यानी कर्नाटक के धारवाड़ में मद्रास रेजिमेंट के लांस नायक हनुमंथप्पा के परिवार में जश्न का ये मौका आखिर क्यों और कैसे आया, इसके लिए आपको एक हफ्ते पहले आई 2 फरवरी की मनहूस तारीख तक लिए चलते हैं. भारतीय सेना के जवानों के लिए सियाचिन की करीब 20,000 फीट ऊंची ये उत्तरी चोटी दुनिया का सबसे खतरनाक और जोखिम भरा मोर्चा माना जाता है. लांस नायक हनुमंथप्पा और उसके 9 साथी 2 फरवरी को कुछ इसी तरह देश की हिफाजत के लिए मौसम से हर रोज जारी रहने वाली भयावह जंग लड़ रहे थे. सूखी हवाएं, हर तरफ बर्फ का सफेद खौफ और शरीर के हर अंग को गला देने की ताकत रखने वाली -40 डिग्री सेल्सियस की भयावह ठंड मानो काफी नहीं थी कि तभी कुदरत ने एक करवट ली. ना तो उस पल की तस्वीरें मौजूद है और ना ही कोई वीडियो, लेकिन हम आपको दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुदरत की वैसी ही तबाही की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस दिन सियाचिन की चोटी से हनुमंथप्पा और उसके साथियों की ओर बढ़ चली थी. इस तस्वीर में दिख रही ऊंचाई से आती बर्फ दरअसल हिमस्खलन है जो बर्फ की दुनिया में कुदरत का सबसे खौफनाक हमला माना जाता है. हनुमंथप्पा और उनके 9 साथी इसी हमले का शिकार हुए थे. कुछ इसी तरह 1 किलोमीटर चौड़ा और 800 मीटर ऊंची बर्फ की एक दीवार उनके कैंप पर आ गिरी. 10 जिंदगियां, उनकी सांसें और उनके जीने की हर उम्मीद उस पल में दफन हो गई सिवाय एक रेडियो सिग्नल के जो सियाचिन के उस कैंप से बेस कैंप तक आया था और ये खबर दे गया था कि सब कुछ तबाह हो चुका है. तबाही के पुराने तजुर्बे ने सिर्फ 2 दिनों तक इंतजार किया और फिर ये मान लिया गया कि मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान जिसमें लांस नायक हनुमंथप्पा भी थे अब जीवित नहीं है. ये वो चंद तस्वीरें हैं जिसमें भारतीय सेना जिंदगी नहीं अपने खोए हुए साथियों की आखिरी निशानियां खोजने पहुंची थी. 20,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना का बचाव दल भारी भरकम मशीनें और खोजी कुत्तों के साथ पहुंचा था, लेकिन तलाश आसान नहीं थी. -40 डिग्री पर यहाँ की बर्फ किसी चट्टान में बदल जाती है और ऐसे में बर्फ को तोड़ने और काटने के लिए ऐसी आरियों की जरूरत पड़ती है. खोजी कुत्तों की सूंघने की क्षमता भी यहाँ की सूखी हवा छीन लेती है.
ऐसे में कोई सुराग नहीं था कि यहाँ जिंदगी का एक टुकड़ा अब भी दफन है। बर्फ की चंद सेंटीमीटर परतें हटाई जा रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी 20 से 30 मिनट की खुदाई के बाद लंबा आराम मांग रही थी। वक्त बीत रहा था, लेकिन 6 दिन बाद हो गया चमत्कार। दरअसल लांस नायक हनुमंथप्पा हिमस्खलन के वक्त अपने कैंप में थे और जब बर्फ उन पर गिरी तो वो टेंट में ही थे। -40 डिग्री के तापमान पर चट्टान की तरह जमी हुई 25 फुट ऊंची बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे हनुमंथप्पा। यूं समझ लीजिए, एक 2 मंजिला मकान के बराबर बर्फ की सिल्ली थी उनके शरीर के ऊपर। लेकिन शायद किस्मत ने हनुमंथप्पा के लिए कुछ और सांसें लिख रखी थी। बर्फ जब टेंट पर गिरी तो टेंट और हनुमंथप्पा के बीच हवा का एक टुकड़ा बचा रह गया। हवा के इस बुलबुले ने हनुमंथा की सांसें बचाए रखी। उसका ऐसा हुआ होगा कि जब एवलांश आया तो उसमें वो, क्योंकि जमीन जो है वो प्लेन नहीं होती, वो बड़काबड़ होती, तो किसी एयर पॉकेट में वो फंस गया, यू नो। क्योंकि अगर एयर पॉकेट नहीं होता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, 4 मिनट जिंदा रह सकते हैं। तो एयर पॉकेट में फंस गया, उसी वजह से 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि उसको सांस लेने के लिए हवा थी, दूसरी ये कि ऊपर से बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है वो, तो जो बॉडी हीट है वो अंदर ही रहती है, तो उसकी वजह से जो है वो ठंड भी कम हुई होगी, इसी वजह से बचा है वो। बचाव दल ने जब हनुमंथप्पा को निकाला तो उनकी नाड़ी धीमी गति से चलती हुई मिली, लेकिन वो बेहोश थे। सेना के बचाव दल ने उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से जम्मू के आरआर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद अब उन्हें दिल्ली के सेना रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर हनुमंथप्पा को जिंदगी मिली कैसे? डेथ का मतलब एक्चुअली होता है ब्रेन डेथ। ब्रेन को नॉर्मल कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की और एनर्जी की सप्लाई 4-5 मिनट बंद कर दी जाए तो ब्रेन डेथ हो जाता है, आदमी मर जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाए तो हर डिग्री सेंटीग्रेड कम करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म 5-7% कम हो जाता है। मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की और एनर्जी की वो कम हो जाती है। तो ब्रेन जो 4-5 मिनट तक नॉर्मल कंडीशंस में सप्लाई बंद करने से मर सकता है, वो कई दिनों तक चल सकता है। तो शायद ये कारण रहा हो कि बॉडी उसकी सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई हो, रिक्वायरमेंट इतना कम हो गया है ऑक्सीजन का और एनर्जी का कि उस रिक्वायरमेंट पे वो सस्टेन कर गया है। कर्नाटक के धारवाड़ में हुबली जिले से 50 किलोमीटर दूर थप्पा गांव में हनुमंत का परिवार भी यकीन नहीं कर पा रहा है। एल्ला देवरिगे हरकी माडेनरा, ಒಂದ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಇದ್ರ ಮಿಕ್ಕಿ ನಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಹಂಗ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ, ಸರ್ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋದು, ಅವ್ರ ದನಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सियाचिन में पिछले हफ्ते हुए हिमस्खलन के उस हादसे के बाद सभी 10 जवानों की मौत पर श्रद्धांजलि दे चुके थे, इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने दिल्ली के सेना अस्पताल जा पहुंचे। तो सियाचिन में कैसे हुआ ये चमत्कार हमने आपको बताया। जैसा हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल लांस नायक हनुमंथप्पा का इलाज चल रहा है दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में, और वहां का मेडिकल बुलेटिन उनकी हालत को लेकर क्या कह रहा है जानते हैं अभी सार से। बिल्कुल नेहा, हम आपको बता दें कि अगले 24-48 घंटे हैं बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लांस नायक हनुमंथप्पा का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत नीचे चला गया है और वो अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से उनके हेल्थ बुलेटिन पर हम निगाह डालना चाहेंगे। हनुमंथप्पा इस वक्त दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, फिलहाल कोमाटोज हैं, कोमा में है वो। जवान हनुमंथप्पा के सभी जरूरी अंग काम कर रहे हैं अपने आप में। एक बहुत अच्छी खबर यह है, डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे अहम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में जवान को देखने भी पहुंचे, जिनकी तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज पर देखी। और इस वक्त हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता नीरज राजपूत का। नीरज, मुझे बताइए इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनकी सेहत के बारे में?
बिल्कुल अभिसार, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं हनुमंतप्पा के लिए। हालांकि वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं लेकिन वो कोमा में हैं और उनको बाइट फ्रॉस्ट हुआ है क्योंकि वो बर्फ के नीचे थे, 6 दिनों तक बर्फ के नीचे थे, 25 से 30 फीट नीचे थे, इसलिए बाइट फ्रॉस्ट हुआ है। काफी जो बॉडी की जो बोन्स है वो उनकी क्रैक्स हो गई है और साथ ही साथ उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी कम है और साथ ही जो लीवर और किडनी है वो भी उनकी काम थोड़ा कम कर रही है। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी 24 घंटे तक यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, सेना प्रमुख पहुंचे थे, एक बार सेना प्रमुख एक बार फिर से अभी पहुंचे हैं तुरंत जब हम बात कर रहे हैं और साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं हालचाल लेने के लिए और डॉक्टर से बात करने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल के। और खास तौर से इंस्ट्रक्शंस दी गई है मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो या नेफ्रोलॉजिस्ट हो या और भी संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनसे कहा गया है कि 24 घंटे और अगले 48 घंटे तक आप इस खबर पर निगाह बनाए रखें। तो नेहा जैसे कि देख सकते हैं अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। जी बिल्कुल अभिसार, अगले 48 घंटे काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं हनुमंतप्पा के लिए। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, हमारे साथ हैं डॉक्टर डीएस गंभीर। डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगी ये उनकी सेहत बेहतर हो इसकी दुआ सभी कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 6 दिन बाद बर्फ की उन चट्टानों से बाहर निकले हैं हनुमंतप्पा, ये हुआ कैसे? देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक चमत्कार की बात है कि 6 दिन बर्फ के अंदर पूरी तरह से दबे रहने के बावजूद हनुमंतप्पा का हार्ट चलता हुआ पाया गया और वो कोमेटोज कंडीशन में थे। इसका बेसिकली कारण जैसे डॉक्टर शर्मा ने ऑलरेडी समझाया कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है जबकि एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही और ऐसी सिचुएशन में ब्रेन जो है नॉर्मली जो 3-4 मिनट 5 मिनट तक अलाइव रह सकता है वो शायद कई घंटे और कई दिन तक अलाइव रह सकता है प्रोवाइडेड कि उसकी हार्ट बीट और हार्ट पम्प करता रहे ब्लड को। तो क्योंकि ब्रेन को ब्लड मिल रहा था और ऐसी सिचुएशन में ब्रेन में स्वेलिंग होने लगती है, ब्रेन में एडिमा होने लगता है और उस वजह से जो मरीज़ है जो बर्फ में फंसा हुआ है उसके कन्फ्यूजन डिसोरिएंटेशन और ये होने के बाद वो पूरा कोमा में चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कि उसका हार्ट की गति चल रही है चाहे स्लो चल रही है तो ये उम्मीद पूरी तरह से की जा सकती है कि ब्रेन का एडिमा हल्के हल्के शायद कम हो जाए और ब्रेन का एडिमा कम होने के बाद वो अपनी हल्के हल्के अपनी होश में आने लगें और इसमें हमें यही देखना है कि वो किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना कैच करें, उनको बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए और इंट्राविनस एलिमेंटेशन। और आप मानते हैं कि इन सब चीजों पर अगले 48 घंटे में डॉक्टर जैसा कि आप बता रहे हैं गंभीर साहब कि इस पर नजर रहने वाली है आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की। हमारे वीर जवान हनुमंतप्पा जिनकी सेहत जिनकी सलामती के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है उनको लेकर ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार उनके लिए प्रार्थना संदेश भी हम तक आ रहे हैं, # प्रार्थना करो के साथ आप भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बीच हमारे साथ यहां मौजूद हैं स्टूडियो में अर्जुन वाजपेयी जी, बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़े हैं, एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। अर्जुन मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने दुर्गम हैं ये इलाके, मौत को मात देकर हनुमंतप्पा यहां से बाहर निकले हैं सियाचिन से। जो आज हनुमंतप्पा ने करके दिखाया है वो इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। जो हम लोग एक मिरेकल टर्म डेफिनेशन ढूंढते हैं वो आज हिंदुस्तान में आज हम लोगों को ढूंढने से मिल रही है हनुमंतप्पा के नाम पे। आफ्टर 140 आवर्स आई गॉट टू नो कि कुछ उनको इंसुलेशन भी था, ही हैड द राइट गियर, बट येट जो सिचुएशंस मैंने देखी हैं इन सम एवलांचेस इट्स लाइक अ ब्लेंडर, उसके अंदर जो भी घुसता है रबल के साथ इट ऑल स्प्लिट्स, लोग बचते नहीं है। बींग बेरिड इन स्नो 20 feet 30 feet एट 19,500 feet आई थिंक बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, -60 -70 डिग्री। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, मैं और आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि आपसे बेहतर शायद वहां की दुर्गम परिस्थितियों को कोई और बेहतर तरह से बयान ना कर पाए। हमारे साथ इस बीच अभिनेता अनुपम खेर भी फोन लाइन पर मौजूद है, लगातार सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं आ रही है। अनुपम जी आप पूरा देश जानता है कि किस तरह से हनुमंतप्पा मौत को मात देकर सियाचिन से आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आज मिले हैं, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, अगले 48 घंटे बहुत अहम है उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनकी तबीयत ठीक हो जाए और उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो रिकवर करें इसकी भगवान से प्रार्थना करूंगा। और जो उन्होंने एक मिरेकल हुआ है उसमें हम सबका विश्वास बढ़ा है कि जिंदगी में मिरेकल हो सकते हैं,
ये वो लोग हैं जो हमारे देश की सेवा करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, और इनके लिए पूरा देश जो है वो इनके लिए भक्ति करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि ताकि इन में भगवान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रखे। ये अपने आप में एक बहुत ही अचंभित बात है कि 25 फीट नीचे 6 दिन तक तो हनुमंथप्पा साहब रहे और इस तरह से आर्मी के बाकी नौजवानों की अंतक वतन से उनकी जान बचाई है। अब बस यही प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाए किसी तरह से, और प्रधानमंत्री जी गए उनसे मिलने और वो तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए गए हैं, एंड आई विश दैट ही इज ऑल राइट सून। और अनुपम जी, आपकी ये जो प्रार्थना है उसके साथ पूरे देश की दुआएं इसमें मिली हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हनुमंथप्पा अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब ये जो चमत्कार है ये उनकी सेहत को और दुरुस्त करे, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हनुमंथप्पा जिनका फिलहाल दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है, अगले 48 घंटे उनके लिए अहम है। वो सियाचिन से बचकर निकले कैसे, आपको बता दें 2 फरवरी को बर्फ की चट्टान के नीचे दब गए थे, और ये देखिए किस तरह से 10 जवान थे कुल हनुमंथप्पा को मिलाकर, जो 25 फुट मोटी बर्फ की चट्टान के नीचे दब गए। और उसके बाद रेस्क्यू मिशन जब वहां पर पहुंचा तो ये बर्फ की चट्टाने -40 डिग्री सेल्सियस पर ऐसी चट्टाने बन गई थी, इनको आरी से काट कर गड्ढा खोद कर फिर उसमें से हनुमंथप्पा को बाहर निकाला गया। उनकी पल्स बहुत कमजोर हो गई थी ये बताया जा रहा था, लेकिन फिर उनको रिवाइव करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करते हुए दिल्ली लाया गया। बड़ी बात यह है अब उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा है। सियाचिन का ये मोर्चा, ये भले ही भारत के लिए नाक का सवाल हो, लेकिन यहां रहकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ना भारतीय जवानों के लिए बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात है, यहां कुदरत बड़े हमले करती है और तब इन जवानों को अपने जज्बे के बल पर मुकाबला करना होता है। सियाचिन की ये तस्वीरें एक ऐसे सफेद खौफ की तस्वीरें हैं जहां जिंदगी का हर पल किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक बर्फ नजर आएगी। तापमान -25 से -40 डिग्री तक चला जाता है। ये वो तापमान है जहां इंसान का जिस्म इतना ठंडा हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। यही नहीं, सियाचिन के जिस 22,000 फुट पर भारतीय जवान पाकिस्तान से लगी एलओसी पर दिन रात तैनात रहते हैं, वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। क्योंकि वहां पे दो प्रॉब्लम एरियाज है, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड 18-19-20,000 फुट की हाइट, दूसरा जो है बर्फ बहुत पड़ती है वहाँ पर, तीसरा ये जो एवलांच और स्नो ब्लिजर्ड ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो इन सब को ओवरकम करना और मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड की, उन सब चीज़ों को ओवरकम करना बड़ा मुश्किल काम है। कहने को तो सियाचिन का नाम सिया यानी गुलाब और चिन यानी घाटी से मिलकर बना है, लेकिन ये गुलाबों की घाटी नहीं बल्कि हड्डियों को तोड़ देने वाली सर्द मौसम की सेज है। भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ 3 चौकियाँ हैं जिसमें सबसे ऊँची और खतरनाक है नॉर्दर्न ग्लेशियर। यहाँ सैनिकों को 3 महीने तक लगातार मौसम से जूझकर देश की रक्षा करनी पड़ती है। ग्लेशियर के 3 हिस्से हैं, नॉर्दर्न ग्लेशियर, सेंट्रल ग्लेशियर, सदर्न ग्लेशियर। तो सबसे मुश्किल जो है वो नॉर्दर्न ग्लेशियर है, वहाँ पे सिपाही 3 महीने रहता है सिर्फ, उसके बाद उसका टर्नओवर हो जाता है, उसी की यूनिट की दूसरी टुकड़ी वहाँ चली जाती है, ये वापस आ जाती है। सेंट्रल ग्लेशियर है उसमें कई जगह 3 महीने, कई जगह 6 महीने। सदर्न ग्लेशियर जो है उसमें 6 महीना है, उसमें 1 साल भी है। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है, और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है ताकि अगर कोई खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सके। लेकिन ये सब तब तक काम आता है जब तक मौसम सामान्य होता है। जो सियाचिन में जाते हैं उनकी पहले बेस कैंप में एक सियाचिन बैटल स्कूल है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है 6 हफ्ते की, कि कैसे वहाँ पे रहना है, क्या करना है, कैसे मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरी जगह, और जो दिए जाते हैं उनको डिवाइसेस उनका कैसे इस्तेमाल करना है, पोस्ट पे रूटीन कैसे होगी, एक से दूसरी जगह कैसे जाना है,
किस टाइम में नहीं जाना चाहिए, ये सब चीजें तब ट्रेनिंग के बाद में ही उनको भेजा जाता है। हिमस्खलन जैसे हादसों में तो सियाचिन जिंदगी और मौत के बीच जंग का मैदान बन जाता है। ये हो जाता है एवलांश तो उस एरिया बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, नॉर्मल सामान्य, पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे एवलांश हुआ है, तो कैसे ढूंढा जाएगा उनको जो दब गए। ये डिवाइस दो चीज़ें होती हैं, उनको सांस के लिए ऑक्सीजन तकरीबन एक घंटे के लिए, और बीप देती है वो, तो बीप से ढूंढा जाता है। जो सर्च पार्टी आती है रेस्क्यू वाले, वो देखते हैं कि भाई बीप कहाँ से आ रही है, और उस जगह पे फिर खुदाई होती है। हिमस्खलन जैसे हादसों की यादें सियाचिन में तैनात रह चुके सैनिकों को अब भी सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। गुरेज में हमारा पलटन था, तो जड़ खुशी एक जगह थी कि वहाँ पर एक अवलांच आया जिसमें हमारे दो जवान दब गए। काफ़ी कोशिश किया, मगर क्या है कि वो बजाय ऊपर आने के उसने नीचे को होल बना बना कर उसने काफ़ी जगह बना ली, मगर नीचे गए। जब हमने अभी तो बहुत कुछ है, उस समय हमारे पास अवलांच राड होते थे जो कि नीचे मारने और उससे जब अगर वर्दी है उसके साथ आना, उस तौर तरीके से भी वहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर जवान जो है। सियाचिन में चलने के लिए फिसलन भरी बर्फ है और दूसरी तरफ सर्दी से बचने के लिए सैनिकों को कपड़ों की कई परतें लादनी पड़ती हैं। सबसे ऊपर जो कोट पहना जाता है उसे स्नो कोट कहते हैं, जो बेहद भारी होता है। सियाचिन में टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं और ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो जाए इसलिए एक जवान उन्हें कई बार जगा भी देता है। वहाँ नहाने के बारे में सोचा नहीं जा सकता और सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसे कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ चीता हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता है। तो आपने देखा कितनी मुश्किल है सियाचिन में जिंदगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब यहाँ स्टूडियो में हैं। ब्रिगेडियर कपूर, आपसे जानना चाहूंगी इस चमत्कार के पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ये, जैसे वाजपेयी जी ने बताया है कि विल पावर है और ब्रेन पावर है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी यहाँ पर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इन पोस्टों के ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और ड्रिल्स बहुत टेप्ड अप होती हैं और ऐसे हादसे होते नहीं हैं। ये जो हादसा हुआ है, ये एक ये जो सोनम पोस्ट है, ये पिछले 32 साल से वहाँ लोकेटेड है। ये एक आइस मास के ऊपर है, तो ये नीचे से पहाड़ शिफ्ट कर गया है और ये पूरा का पूरा पोस्ट को वो ले गया नीचे एक एवलांच के रूप के अंदर, और उसके अंदर ये जाकर दब गए हैं। और जो इनका बचने का बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, उनका मेन एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं क्रेविस के अंदर या कहीं ना कहीं एयर पॉकेट्स होते हैं, प्लस कुछ ना कुछ इंसुलेशन जिस टेंट में ये लोग थे वहाँ पर है, और ऑक्सीजन भी इनके पास अवेलेबल होती है, शायद वो तो कनेक्टेड ना हो उस समय, लेकिन ये कुछ ना कुछ इंसुलेशन, कुछ एयर पॉकेट्स होंगे। और लगता है वो एक बड़ी वजह रही होगी जिस वजह से, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज सांसें थी उन्हें बचाने का काम किया। ब्रिगेडियर कपूर, मैं आपको बता दूं हमारे साथ सियाचिन के लिए परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन बाना सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उन्हें सुन भी रहे थे पैकेज के दौरान। बाना सिंह साहब, इस चमत्कार के पीछे आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे पहले ये है कि चमत्कार तो नहीं है, मगर ऐसा कभी कभी होता भी है और होता आया भी है, क्योंकि अगर ये जो बर्फ़ जो गिरी है या अवलांच आया है, तो वो उनको उसकी दबाव में नीचे ले गया है, जैसा कि उसमें कहीं ना कहीं लूप होल होगा उसका बैठने का, जहाँ उसका कहीं कोई सोच विचार करने का, जहाँ उसने कुछ ऐसी जगह बना ली होगी जिससे वो हनुमानथप्पा जो है आज जीवित है। और इसी चीज़ को हम, वैसे वहाँ जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है, तो चलो इसके ऊपर प्रभु की कृपा भी होती है और आदमी जीवित भी रह सकता है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अशोक मेहता हैं। आपको क्या लगता है मेहता साहब, इतने मेहमानों को आपने सुना? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारी प्रार्थना हनुमानथप्पा के साथ है,
लेकिन जिस बात के बारे में हमको बात करनी चाहिए वो बात नहीं हो रही, और वो बात ये है कि सियाचिन जो सबसे बड़ा युद्ध स्थान है, बैटल ग्राउंड है, वहाँ पर पाकिस्तान की फौजें और हमारी फौजें तैनात हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे लोग 10 लोग गए, अभी पिछले हफ्ते 4 गए, पाकिस्तान में 122 गए, तो ये बिला वजह ये गोली फायर करने से नहीं हो रहा, ये लड़ाई में नहीं हो रहा, ये आप एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से लड़ रहे हैं, और ये बेफजूल लड़ाई है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इलाके से सियाचिन के इलाके, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक मर्तबा ये कहा था कि इसको एक माउंटेन ऑफ पीस बना दिया जाए, और माउंटेन ऑफ पीस बनाने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए ताकि हनुमान थापा जैसे दूसरे थापा, हनुमान बहादुर थापा गोरखा वाले या कोई दूसरे थापा ऐसी नौबत ना आए। चलिए, ये एक और चर्चा का विषय आगे हो सकता है, फिर इसमें सवाल उठेगा अशोक मेहता साहब की पाकिस्तान पर आप भरोसा कैसे करें। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक मेहता, आपसे मैं इस पर एक अंतिम कॉमेंट चाहूंगी। मैं यही कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत में सियाचिन के मुद्दे को उसके ऊपर शीघ्र बातचीत होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो जैसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, अभी हुआ है, पिछले हफ्ते हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, बेफजूल जानना चाहे, यही मेरा एक जानना चाहे। ब्रिगेडियर अमृत कपूर, मैं यही बोलूँगा कि वहाँ पे हमारी ये फोर्सेज हैं, उनको अच्छी तरह से इक्विप किया जाए, और हमारी काफ़ी वहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं, बहुत चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं, और उनको छोटी छोटी बात के ऊपर उनको रोक दिया जाता है। हमारे पास, हमारे जवानों के पास में जीपीएस नहीं है, ऐसे इलाके के अंदर हर एक जवान के पास में जीपीएस होना बड़ा अनिवार्य है। ये जैसे पोस्ट के अंदर भी ये इन्होंने इतनी जल्दी लोकेट कर लिया, ये पोस्ट के अंदर क्योंकि हमारे रेडियो सेट होते हैं उसकी वजह से, तो वहाँ के लिए इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद इस एपिसोड के बाद इन सब चीजों पर ध्यान जाए। ये एपिसोड मैं बताना चाहता हूँ, ये टोटल एक्सीडेंट है, ये एक पूरा का पूरा आइस मास शिफ्ट हो गया है और उसकी वजह से हुआ है, ये किसी की वजह से नहीं, ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये वेदर चेंज की, ये वेदर चेंज की वजह से भी हो सकता है, लगातार ये जो हमारे जो संदेश आ रहे हैं आप दर्शकों के, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर डीएस गंभीर, जाते जाते ये 48 घंटे कितने अहम रहने वाले हैं अपने आप? नहीं, मैं इतना ही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जो 48 घंटे हैं उसमें हमारा जो एक अहम जो जवान वहाँ फंसा हुआ है वो निकल के बाहर आए, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अच्छी मेडिकल केयर से जो कि वहाँ दी जा रही है, जिसमें कि प्रॉपर हीटिंग सिस्टम होना चाहिए और उसकी प्रॉपर पल्स ब्लड प्रेशर का असेसमेंट होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, तो नेचर इज़ अ बिग हीलर, और मेरे को लगता है कि ये 48-72 घंटे के अंदर ये इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। और लगातार ये संदेश, आपकी प्रार्थनाएं, दुआएं भी आ रही हैं, गर्व है सबको हनुमान थप्पा पर, और अब सबकी यही उम्मीद और दुआएं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही उम्मीद जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक मेहता, ब्रिगेडियर कपूर साहब, डॉक्टर डीएस गंभीर, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।